नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सांभर लेक में लोगों की शिकायत पर जलदाय विभाग ने हटाए अवैध पाइपलाइन। कर्मचारियों ने काफी दूर तक डाले गए पाइपलाइन को निकाला और जब्त किया। बूंदी में श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला किया दहन। श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। बूंदी में वार्डों में पेयजल संकट को लेकर वार्ड की महिलाएं सभापति से मिली। सभापति ने दिया जल समस्या हल करने का आश्वासन। और जयपुर में जनसाधारण की हर तकलीफ के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध गुलाब चंद कटारिया। हर तकलीफ में राजस्थान सरकार द्वारा जनता को प्रदान की जाएगी हर संभव मदद। और अब खबरें विस्तार से। बूंदी में संयुक्त श्रमिक संगठनों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला दहन किया। अलग अलग श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटेक के महासचिव धर्मवीर चौधरी, सीटू के महासचिव किशन सिंह राठौर, इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे, RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन महासचिव हरगोविंद शर्मा, BJMSMA प्रदेश अध्यक्ष शिशुपाल सिंह, राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद जैन, बूंदी के दीपक शर्मा, हबीब खान के नेतृत्व में हुए जमा श्रमिकों ने कहा कि पहले हम 24 फरवरी को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को रख चुके हैं। 13 अप्रैल तक रोडवेज की सभी इकाइयों पर चेतावनी सप्ताह के तहत धरने लगाए गए थे, अब आगे आंदोलन को तेज करेंगे। 16 से 30 जून तक राजस्थान के संयुक्त दौरे होंगे, इसके बाद आगे की रूपरेखा तय करके उस पर अमल किया जाएगा। सभी संगठनों की एक ही मांग है जिस पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज हमने वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और इस बात की चेतावनी दी कि यदि हमारे रोडवेज कर्मियों की मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो आने वाला जो 25-26 जुलाई है उसको पूरे राजस्थान को हम जाम कर देंगे। बूंदी में ऐतिहासिक रानी जी की बावड़ी की साफ सफाई जल्द ही श्रमदान के रूप में की जाएगी। भाजपा कार्यकर्ता इसमें पूरा सहयोग करेंगे, आमजन का भी आह्वान किया जाएगा। इसी बात को लेकर सभापति महावीर मोदी ने आज रानी जी की बावड़ी का अवलोकन किया। उन्होंने पार्षदों के साथ वहां पहुंचकर इस बात की जानकारी ली। सभापति ने कहा कि जल्द ही विश्व प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी स्वच्छ नजर आएगी। यहां पर ऊपर लगे गार्डन की भी मेंटेनेंस पर दिया जाएगा ध्यान। इस दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। और अगली खबर भी बूंदी से। बूंदी शहर के दो अलग अलग वार्डों की जनता ने पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को नगर परिषद जलदाय विभाग में ज्ञापन दिया। सभापति महावीर मोदी के कक्ष में वार्ड 11 व 17 से जुड़ी महिलाएं पहुंची और पेयजल आपूर्ति गड़बड़ाने की समस्याओं ने बताई। महिलाओं ने सभापति से कहा कि सुबह से शाम आजकल पेयजल का जुगाड़ करने में हो रही है, यह पता नहीं रहता कि हमें आज पानी कब मिलेगा। ना तो समय चक्र निर्धारित है, ना ही कितनी देर के लिए जल आपूर्ति होगी, इस बात की जानकारी दी जा रही है। वार्ड 11 की महिलाओं को सभापति ने समझाते हुए कहा कि शहर में नई लाइनें डाली जा रही हैं, टंकियों का निर्माण हो रहा है, समस्या का जल्द से जल्द समाधान होगा, फिर भी त्वरित रूप से जल्द क्या किया जा सकता है, इस बात का प्रयास वो कर रहे हैं। उन्होंने हाथों हाथ ANJP दाधीच को मोबाइल पर ही निर्देश देते हुए वार्ड 11 की जल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की बात कही। उधर दूसरी वार्ड 17 से जुड़ी महिलाओं ने पार्षद रमेश हाड़ा जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान की ओर से हुए कार्यक्रम में केक काटकर मिठाइयां बांटी गई। नगर परिषद पार्षद प्रदीप सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झुग्गी बस्तियों में जाकर भी जरूरतमंदों को मिठाई बांटी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अशोक गहलोत केवल एक नेता नहीं बल्कि जन नेता है, जिनके द्वारा चालू की गई योजनाएं
आज भी राजस्थान के हर तबके के लिए लाभदायक साबित हो रही हैं। सभी ने इस मौके पर दुआ की कि वे एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इसी क्रम में खेतड़ी में भी कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल में जाकर फलों को बांटा। आज झुंझुनू में महात्मा ज्योति फुले शिक्षण संस्थान में परम सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री और जन जन के लाडले परम श्रद्धेय माननीय श्रीमान अशोक गहलोत का 68वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया और शिक्षण संस्थान के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स और हमारे बुजुर्ग सब ने मिलकर केक काट के आपस में मिठाई बांट के माननीय अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया और उनके यशस्वी जीवन की कामना की। और हम चाहते हैं कि जैसा कि इस समय सब लोगों की एक ही राय हो रही है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और इस देश के राजस्थान के अंदर जो जन कल्याणकारी योजना वो लेके आए थे उनको सुचारू रूप से एक बार फिर से चालू करें, जिससे गरीब का, मजदूर का, किसान का भला हो सके, बेरोजगारों को नौकरियां दे सके। इसलिए सब पूरा राजस्थान ये चाहता है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री परम सम्मानीय अशोक जी गहलोत हो। झुंझुनू में राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर आज प्रदेश के हर आगार पर विरोध प्रदर्शन हुआ। 12 सूत्री मांगों को लेकर हुए इस विरोध प्रदर्शन का असर झुंझुनू में भी देखा गया। झुंझुनू आगार में सीटू नेता गजराज कटेवा के नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार और रोडवेज प्रशासन का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। कटेवा ने बताया कि 7वां वेतनमान लागू करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया तब भुगतान देने, 1 तारीख को पेंशन वेतन देने जैसी 12 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी आंदोलनरत हैं। गतवा भी 5 दिन तक धरना देकर जन जागरण किया गया, वहीं सरकार को चेताने का काम किया, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि 5 जुलाई को पूरे प्रदेश के कर्मचारी जयपुर में इकट्ठा होकर सरकार को घेरेंगे। इसके बाद भी मांग नहीं मानी गई तो 25 व 26 जुलाई को चक्का जाम किया जाएगा। शेरगढ़ क्षेत्र के तेना गांव में भारती फाउंडेशन द्वारा संचालित सत्य भारती स्कूल का अमेरिकी संगठन गर्ल राइजिंग टीम ने दौरा किया और विद्यार्थियों और शिक्षकों से लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की अपील की। पूरे सत्र में चलाए गए गर्ल राइजिंग पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए अपेक्षित सुधारों पर विस्तार से अध्यापकों के साथ द राइजिंग टीम ने चर्चा की। प्रधानाध्यापक लखाराम गर्ग ने बताया कि वर्ल्ड गर्ल राइजिंग टीम ने विद्यालय का दौरा कर छात्र छात्राओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और बालिकाओं के विकास के उत्तम गुण सिखाए और आत्मरक्षा करने के विभिन्न प्रकार के टिप्स सिखाए। उन्होंने बालिका शिक्षा, लिंग भेद, बाल विवाह, गरीबी और शिक्षा आदि के बारे में परिचय देते हुए बालिकाओं के अधिकार के बारे में समझ विकसित करने व उनके समाज में विकास की भूमिका निभाने का आह्वान किया।
क्लस्टर को ऑर्डिनेटर विक्रम सिंह राठौर ने गर्ल राइजिंग टीम का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए टीम के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। गर्ल राइजिंग टीम की सदस्य स्मृति कौर एंड टीम ने विद्यालय को गर्ल राइजिंग टीम की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन प्रदान किया। गर्ल राइजिंग के पोस्ट असेसमेंट के दौरान क्लस्टर को ऑर्डिनेटर विक्रम सिंह राठौर, लखाराम गर्ग, मोबाइल टीचर दुर्गेश शर्मा सहित समस्त शिक्षकगण और समाज सेवी खेत सिंह राठौर मौजूद थे। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर राजस्थान सरकार के गृह एवं आपदा राहत मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार जनता की हर समस्या के निराकरण हेतु प्रतिबद्ध है और आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं से जनसाधारण को होने वाली हर तकलीफ में राजस्थान सरकार द्वारा जनता को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। आपदा राहत मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कल 2 मई 2018 को अचानक आए अंधड़ एवं तूफान से भरतपुर, धौलपुर और अलवर जिले में जनसाधारण को शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंची है। इन दुखद पलों में सरकार की पूरी संवेदना पीड़ितों के साथ है तथा जन सामान्य को इस आकस्मिक प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के बारे में जानकारी मिलते ही हमने आपदा राहत पहुँचाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। अभी तक भरतपुर में 17, धौलपुर में 5 और अलवर में 9 व्यक्ति इस आकस्मिक प्राकृतिक आपदा की वजह से अकाल मृत्यु के शिकार हुए हैं और हमारे धौलपुर क्षेत्र के 2 निवासी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में किसी कार्यवा गए थे और वहां इस आकस्मिक आपदा की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अभी तक राजस्थान के 33 नागरिकों की इस प्राकृतिक आपदा की वजह से मृत्यु हुई है। इन 3 जिलों में कुल 205 व्यक्ति घायल हुए हैं तथा लगभग 100 की संख्या में पौधों की क्षति पहुंची है। मृतक परिवारों, घायलों व मकानों की क्षतिपूर्ति हेतु जारी गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि अंधड़ से हुई क्षति में प्रभावित परिवारों की सहायता हेतु मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और घायलों को 60% से अधिक शारीरिक क्षति होने पर 2 लाख रुपए तथा 60% से कम शारीरिक क्षति होने पर 75,000 रुपए की राहत दी जाएगी। प्रदेश में आंधी तूफान के चलते 3 दर्जन के करीब लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने सभी मंत्रियों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणुमा भी झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने जिले के रमा गांव में आंधी से गिरे मकान में हुए एक व्यक्ति की मौत के बाद उनके परिवार के साथ साथ घायलों की कुशलक्षेम पूछी। झुंझुनू मुख्यालय के R&R अस्पताल में चल रहे घायलों के इलाज की जानकारी उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों से ली है। उन्होंने इस मौके पर बताया कि सरकार ने त्वरित राहत देते हुए मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला लिया है, साथ ही घायलों और अन्य नुकसान की भरपाई के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के लिए जिला प्रशासन को अधिकृत कर दिया है। उसके साथ ही जिला कलेक्टर दिनेश यादव भी थे। ADM MR बागड़िया ने सारी स्थिति की जानकारी मंत्री को दी। मंत्री के इसके बाद घटनास्थल रमा गांव के लिए रवाना हो गए। कल जो प्राकृतिक एक प्रकार की आपदा है आंधी चलने से, एक जो निर्माणाधीन मकान था उसकी दीवार है वो पट्टियों पर गिरी है। पट्टियों के नीचे ये 7 लोग बैठे थे, सात लोग बैठे थे तो उसमें जो मकान का जो निर्माणाधीन मकान का मालिक है शिवगंजी मेघवाल, उसकी तो डेथ हो गई और एक अपने गुज्जर साहब है उनके 2 पैरों में एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जिनको यहाँ अपने झुंझुनू हॉस्पिटल में अभी उनको ओटी में ले गए, उनका ऑपरेशन होगा। और बाकी 5 लोग और थे जिन्हें प्राथमिक ट्रीटमेंट के बाद में तुरंत छुट्टी दे दी गई। तो एक तो डेथ हुई रही, एक आदमी को जैसे चोट ज़्यादा लगी है तो एक डेथ हो गई, वो तो रवा गाँव के हैं और उनका तो पोस्टमार्टम होकर उनको बॉडी दे दी गई। हम भी देखते ट्राई करते वहाँ जाना है क्या। और उसके बाद में
ये जो है गुजर साहब उनको देखने के लिए अस्पताल में आए हुए हैं। यहाँ बहुत बढ़िया इनका इलाज चल रहा है। 4 लाख रुपए की सीएम साहब ने घोषणा भी कर दी है कि जो भी इससे आंधी तूफान से किसी डेथ हुई है उस डेथ में 4 लाख रुपए देंगे। घायलों का जहाँ तक होता करता वो एक बना हुआ इनका नियम की डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से उन्हें देते हैं कि कितनी चोट आई है, कितना दिन लगेगा ठीक होने में, और उस हिसाब से मुआवजा उनको मिलता है। जनता के क्या है विचार? अब राजस्थान की हर खबर पर रखिए ध्यान। राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर। क्यों मचा है सियासत में घमासान? पूरे दिन राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर। राजस्थान हलचल में सिर्फ सत्यमेव न्यूज चैनल पर। कैसा है मेरा विधायक? क्या क्या विकास कार्य हुए? विधायक की कहानी उन्हीं की जुबान। मिलिए अपने विधायक से, जानिए उनके कार्यक्षेत्र की उन्नति की कहानी। हमारे नए कार्यक्रम जिसका नाम है मेरा विधायक। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं अपने विधायक से। अपने विधायक से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए इन नंबरों पर। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र करनालिया गांव के जंगलों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर गंगधार थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी और उनकी टीम मौके पर पहुंची। जोखिम उठाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। लगातार क्षेत्र में हो रही आगजनी की घटना से लोगों में भय व्याप्त हो गया है। थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि आग लगने का अभी कोई ठोस कारण पता नहीं चला है। उपखंड क्षेत्र में दमकल की व्यवस्था नहीं होने के कारण आग पर काबू पाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। भरतपुर में बुधवार शाम को आए चक्रवात में वैर क्षेत्र में जमकर नुकसान हुआ। सैकड़ों की तादाद में पेड़ धाराशायी हुए। बागानों में नींबू और आमी को काफी नुकसान हुआ। सबसे अधिक नुकसान बिजली विभाग को हुआ। सहायक अभियंता बी एल गुप्ता के अनुसार 300 विद्युत पोल, 5 टावर, 33 केवी के 50 ट्रांसफॉर्मर गिर कर क्षतिग्रस्त हो गए। 70 लाख की लागत से बना दरसोनी GSS धाराशायी हो गया। वैर सब डिविजन में 1 करोड़ से अधिक विद्युत विभाग को क्षति हुई है। व्यवस्था को सही करने में 9 टीमें लगी हुई हैं। वैर में 3, भुसावर में 3, वल्लभगढ़ में 2, निठार में 1 टीम लगी हुई है। रामदेवरा में ओर समाज युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवी भाजपा नेता प्रेम ओर ने गुरुवार को बाबा रामदेव के दर्शन कर देश में अमन चैन की खुशहाली की कामना की। दर्शन बाद प्रेम ओर ने अपने जन्मदिन पर परचा बावड़ी मंदिर के बाहर अन्न क्षेत्र के पास बैठे गरीबों में खाना खिलाया। वहीं प्रेम ओर ने जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर जोरों का क्रेज देखने को मिला। प्रेम ओर पर हर जरूरतमंद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आज इनकी पहचान गांव, जिला, प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बनी हुई है। प्रेम ओर को हाल ही में ओर समाज रत्न से सम्मानित किया गया है। वह कर्नाटक में होने वाले चुनाव में बीजेपी से प्रचार के लिए कर्नाटक जाएंगे। प्रेम ओर भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इस दौरान विक्रम सिंह तंवर, गुलशन अग्रवाल, भवानी सिंह, जितेंद्र ओर, नीलेश शर्मा, राहुल सिंह तंवर, हिम्मत सिंह तंवर सहित कई लोग उपस्थित थे।
जयपुर जिले के सांभर कस्बे में जलदाय विभाग के द्वारा देवयानी सरोवर पर बने GLR में पानी की आपूर्ति के लिए डाली गई मुख्य पाइपलाइन में से गलत तरीके से जल कनेक्शन करने के लिए डाले गए पानी के पाइपों को जलदाय विभाग के द्वारा जब्त किया गया। कस्बे के देवयानी सरोवर पर बने GLR के लिए जलदाय विभाग ने गत दिनों एक पाइपलाइन नए कोर्ट के पास से देवयानी सरोवर तक डाली थी और 23 अप्रैल को लाइन पेयजल आपूर्ति विधायक निर्मल कुमावत ने शुरू की थी। इस लाइन के रास्ते से एक नई कॉलोनी के लोगों ने जल कनेक्शन लेने के लिए लाइन के पास तक पाइप डाल दी। गलत तरीके से पानी के कनेक्शन लेने की खबर जब लोगों को मिली तो देवयानी विकास समिति के अध्यक्ष पंडित हरिदास शर्मा, सर्वेश शुक्ला, लक्ष्मीकांत शर्मा सहित अनेक लोग आज जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और इस संबंध में जलदाय विभाग की कनिष्ठ अभियंता सुरभि महावर को अवगत करवाया। इस पर कनिष्ठ अभियंता महावर धर्मचंद गुप्ता, लक्ष्मी नारायण आदि कर्मचारी मौके पर पहुंचे और देखा तो वहां पर पाया कि 3 पाइप डाले गए हैं लेकिन मुख्य पाइपलाइन से कनेक्शन नहीं हुए हैं। इस पर जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने काफी दूर तक डाले गए पाइपों को निकाला और जब्त किया। जयपुर जिले के सांभर उपखंड के रेनवाल कस्बे के CSC में चिकित्सा प्रभारी मोहनलाल सालोदिया का स्थानांतरण होने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अम्बेडकर सेवा संस्थान के बैनर तले हेलो मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि CSC व नगर पालिका के बीच पार्क की जमीन का विवाद चल रहा था, इस कारण विधायक ने चिकित्सा प्रभारी का स्थानांतरण करवा दिया और तुरंत प्रभाव से ही रिलीव ऑर्डर भी दे दिया। इससे स्थानीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। सरकार को चेतावनी दी है कि इस मौके पर अम्बेडकर सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष रोशन दायमा, सुरेंद्र वर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष योगेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल सांभरिया, ओम प्रकाश रेगर, सुभाष दायमा, पूर्व पार्षद राजेंद्र बुगालिया, दीनदयाल बाकोलिया, नवरत्न बुगालिया, बालू राम रेगर, राम प्रसाद उज्जवल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। यहाँ के डॉक्टर थे, उन्होंने इसका विरोध किया, कोर्ट तक मामला गया लेकिन मजबूर होकर उनको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट के बाद में इन्होंने ये कार्रवाई की और इनका बिना मतलब में ट्रांसफर करा दिया। जनता बहुत आक्रोशित है, अगर इस मांग में हमारी विचार नहीं आएगा तो हमको जबरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पाली के सारण गांव के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राड़ झालरा में मनाया विद्यालय प्रवेशोत्सव। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राड़ झालरा में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया। विद्यालय के शिक्षक तरुण राज सिंह रजावत व कार्यवाहक प्रधान अध्यापक चंद्र प्रकाश चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया व नव प्रवेशी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर माला पहनाकर मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया। रैली में सरकारी विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाओं व प्रवेशोत्सव से संबंधित नारे लिखी तख्तियां छात्र हाथों में लेकर चल रहे थे। रैली का गांव में ग्रामीणों द्वारा स्वागत कर छात्रों का उत्साहवर्धन किया गया। शिक्षक तरुण राज सिंह रजावत ने ग्रामीणों को सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिलवाने के लिए प्रेरित भी किया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।